नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। पार्टी रूप रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किए गए सर्वे में सीएए के विरोध में कितने लोग हैं और इसके समर्थन में कितने लोग हैं, इसका एक आंकड़ा निकाला गया है, जिसके संदर्भ में मैदागिन स्थित परार्कर भवन में पार्टी रूप रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता संदीप चौरसिया ने प्रेस वार्ता में बताया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। प्रश्नाली को भरने उस कैंप लगा के हम लोगों ने उस प्रश्नाली को भराया था, जिसमें कुल 5682 लोगों ने भाग लिया था। और ये पूरे देश में हम लोग 6 राज्यों में जो इस सिद्धांत हम लोगों ने चलाया था, उसमें लगभग लगभग 86% लोग जो है बोलते रहे जी। ये 15 दिनों तक हम लोगों ने ये चलाया था जनता प्रसंग, और ये 6 राज्यों तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ तक हम लोगों ने शेड चलाया था। 8 सवाल हम लोगों ने पूछा था, उसका कल्चर इसमें विवरण भी हम लोगों ने दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी है, तो इसमें हाँ और ना में जवाब देना था, जिसमें 4703 लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 989 लोगों ने जो है नहीं में जवाब दिया है। दूसरा सवाल हम लोगों का था, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू सरकार भारतीय मुस्लिमों से भेदभाव कर रही है, इसमें हम लोगों ने 3 ऑप्शन दिया था, हाँ, नहीं और पता नहीं। हाँ में 296 लोगों ने, 4046 लोगों ने कहा था कि नहीं, नहीं कर रही है, और 586 लोगों को पता नहीं था कि भेदभाव कर रही है या नहीं। उसके बाद तीसरा जो हम लोग का सवाल था, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से, इसमें हम लोगों इतने हम लोगों ने जो जवाब पाया कि सरकार मुस्लिम भारतीय मुस्लिम समुदाय से इस बिल के माध्यम से कोई भेदभाव कर रही है, इसमें जो जवाब जनता ने दिया वो उन्होंने कहा कि 296 लोगों ने कहा कि हाँ, 4980 लोगों ने कहा नहीं। और पांचवा जो सवाल था हम लोगों का, चौथा जो सवाल था हम लोगों का, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं NCR का कोई संबंध है, NRP और NCR का कोई संबंध है, तो इसमें लोगों ने जो कहा, 306 लोगों ने कहा हाँ, 4758 लोगों ने कहा नहीं, और 618 लोगों ने कहा कि इसमें पता नहीं। पांचवा हम लोगों ने सवाल पूछा था, क्या बांग्लादेश, बाकी 813 लोगों ने कहा नहीं, और 1187 लोगों को मतलब कंफ्यूज है कि हाँ दे भी सकती है कि नहीं, उनको पता नहीं। सातवां सवाल जो हम लोगों का था, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम NPR और NCR पर विपक्षी राजनीतिक दल द्वारा भ्रम पैदा कर देश की जनता, जी अपना परिचय दे दीजिए। संदीप चौरसिया, संस्थापक पॉलिसी रूट रिसर्च फाउंडेशन। संदीप जी, किस तरह का सर्वे आप लोगों ने किया और कहाँ कहाँ किया है? ये हम लोगों ने एक जनमत संग्रह किया था, और एक प्रश्नवाली बना के हम लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पे जमीनी हकीकत को जानने के लिए जनता के हम लोगों ने 8 प्रश्न पूछे थे। कहाँ कहाँ पे गए थे आप, कौन कौन से? हम लोगों ने 15 दिन तक ये जनमत संग्रह हम लोग चलाया था उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में और 6 राज्यों के कुछ जिलों में, जहाँ तक हम लोग की संभव, जहाँ तक हम लोग की पहुँच थी वहाँ तक हम लोग ने इसको कराया है। किसके सब्जेक्ट पे आपने जनमत संग्रह कराया था? सब्जेक्ट क्या क्या विषय लेकर ये हम लोगों ने जनता से 8 सवाल पूछे थे, जिनके जवाब जनता ने दिए। उसके अलावा हम लोगों ने एक स्वतंत्र टिप्पणी के लिए भी जनता के लिए प्रश्नवाली में जगह छोड़ा था, साथ ही उनको उनके सुझाव भी जानने के लिए हम लोगों ने कॉलम छोड़ा था। तो क्या कुछ निकला, जैसे कि आपने कहा CAA, NRC और NRP पे कुछ आपने सवाल जनता से किए जी, तो क्या जवाब मिला उनका? ये देखिए, हम लोगों ने जो 8 सवाल पूछा था उसमें लगभग लोग 88-83% लोग जो है सरकार के पक्ष में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। NCCA का मतलब CAA का समर्थन कर रहे हैं, और NRC और NRP का? इसमें हम लोगों ने एक सवाल हम लोगों ने पूछा था कि क्या इस पे जो है NRC और NRP और CAA का कोई आपसी संबंध है, तो जनता ने जो हम लोगों को बताया वो 4758 लोगों ने बताया कि नहीं, और 618 लोगों को पता नहीं, जबकि केवल 306 लोगों ने कहा हाँ, इसका आपसी संबंध है। अच्छा, बात अगर अल्पसंख्यक लोगों की जाए, जिसको भारत में लेकर तमाम तरह की शंकाएं पैदा हो रही हैं, तो उनके लिए जो सर्वे करा उसमें क्या निष्कर्ष निकल गया है? देखिए, जो हम लोगों ने आम जनता से सवाल पूछा था, दूसरा सवाल हम लोगों का था, क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करके सरकार भारतीय मुस्लिमों से भेदभाव कर रही है, एक प्रश्न हम लोगों ने ये पूछा था, जिसमें 4746 लोगों ने कहा नहीं, जबकि केवल 296 लोगों ने कहा हाँ, और 586 लोगों ने कहा पता नहीं। और इसी प्रश्न से मिलता जुलता एक प्रश्न हम लोगों ने पूछा था,
कि क्या इस बिल सीए से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से क्या किसी भारतीय मुसलमानों का कोई संबंध है। तो इसमें जनता ने 4980 लोगों ने कहा नहीं, इसका कोई संबंध भारतीय मुसलमानों से नहीं है। केवल 296 लोगों ने कहा हाँ है और 406 लोगों को पता ही नहीं कि ये है या नहीं है। जब आप सीएए एनआरसी और एनआरपी को लेकर जनता के बीच गए तो क्या इन तीनों चीजों में से किसके विषय पर लोगों ने अपनी जानकारी जाहिर की कि हमें इस पर जानकारी है और इस पर नहीं है? देखिए, हम लोगों ने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पहले ही सवाल में पूछा था कि क्या आप लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में विस्तृत जानकारी है अथवा नहीं। तो इसपे आम लोगों को इसपे जो धीरे धीरे जो जागरूकता अभियान चला उस पहले किसी को बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन इसपे जब लोग जानना शुरू किए, जब उनकी जागरूकता बढ़ी और इस बिल को समझने की कोशिश किए तो लोगों को जानकारी हो गई और इसपे लोग लगभग 83% लोग जानते हैं इस बिल के बारे में।